चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे इन जिंदा जानवरों को उबाल कर इनसे सिल्क बनाया जाता है। सबसे पहले अंडे से निकले हुए सिल्क वॉर्म के बच्चों को 42 डेज तक लगातार शहतूत यानी कि मलबरी की पत्तियां खिलाई जाती है। खूब सारी पत्तियां खाने के बाद जब ये बड़े और मुस्टंडे हो जाते हैं तब इन्हें एक बड़ी लकड़ी के फ्रेम में 7 से 8 दिनों तक रख दिया जाता है, जिससे कि वो कीड़े अपनी लार को उस फ्रेम में छोड़ देते हैं और हर एक मासूम सा कीड़ा अपनी लार से टोटल 1000 फीट लंबा धागा बनाता है। उसके बाद बिना दया किए लोग सिल्क वॉर्म कीड़ों को 10 से 15 मिनट तक लगातार तार खोलते गर्म पानी में उबालते हैं, जिससे कि वो तड़प तड़प कर मर जाते हैं। फिर इनसे निकले धागे को एक मशीन के थ्रू साइड में कर लिया जाता है, जिसके बाद सभी धागों से सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल एक खूबसूरत साड़ी बनने में टोटल 10,000 कीड़ों का बलिदान हो जाता है।